सबको पता है किसे क्या करना है। दो मणि इस तरफ, एक मणि उस तरफ। चुपचाप काम करो और टाइम से निकल जाओ। मन करे तो रास्ते में थोड़ी तोड़फोड़ कर सकते हो। फालतू की तोड़फोड़ क्यों करना पड़े? ठीक है, तुम्हें नहीं लगता कि दरवाजा खोलने से पहले इजाजत लेनी चाहिए? मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहा हूं। फिर तो तुम 5 साल जल्दी आ गए। स्टीवन स्ट्रेंज इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं उस तरफ हॉस्पिटल में। तुम्हें उनसे क्या लेना है? वो लेना है। अच्छा, भूल जाओ। सॉरी, पर मैं पूछ नहीं रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, आप सही, मैं गलत, पर मुझे वो मणि चाहिए और बहस का वक्त। सारा खेल वक्त का ही तो है। प्लीज प्लीज, क्षमा चाहती हूँ ब्रूस, ये संभव नहीं है। अगर मैं तुम्हारे समय की रक्षा के लिए मणि दे दूँ तो हमारा समय नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारा विज्ञान आपके विश्वास को नहीं मानता। ये अनंत मणि हमारी जिंदगी को वक्त के सांचे में ढाल कर बहाते हैं। एक मणि भी हिल गया तो बहाव बढ़ जाता है। ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस नई परिस्थिति में बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा। हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो बताओ डॉक्टर, तुम्हारा विज्ञान इस होनी को टाल सकता है? नहीं, पर मिटा तो सकता है। एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए तो हम हर एक मणि को उसी वक्त और जगह पर वापस कर देंगे जहाँ से लिया था। तो फिर लॉजिकली यूं होगा जैसे मणि कहीं गए। हाँ, लेकिन एक बात बताना तो तुम भूल ही गए। तुम जिंदा लौटोगे तो मणि वापस आएंगे ना? हम लौटेंगे, मैं लौटूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। मैं एक वादे पे इस दुनिया का जुआ नहीं खेल सकती। आखिरी सांस तक समय मणि की रक्षा प्रधान मणि धारक का कर्तव्य है। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे किसी और को क्यों दे दिया? क्या कहा तुमने? स्ट्रेंज ने मणि उसे दे दिया, उस थेनोस को। अपनी मर्जी से? हाँ। पर क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल थी उसकी।